हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत कुमार आपके अपने ही चैनल अमरजीत स्टडी पर आप लोगों को स्वागत करता हूँ। आज हम आप लोगों के लिए जो रेलवे में पूछा गया है प्रीवियस ईयर मैथ्स का, उसी को क्वेश्चन का सोल्यूशन करूँगा। और यह क्वेश्चन जो है आप लोग 5 सेकेंड में बना सकते हो। अगर जानकारी नहीं है तो इस वीडियो को जरूर देखिए कैसे 5 सेकेंड में बनता है। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। आज हम इम्पोर्टेंट मैथ का जो एग्जाम पूछा गया है दुबली ने 2018 में, एक पिछले वाला जो हुआ था वैकेंसी 2018 में दुबली का, उसका सॉल्यूशन आज करूँगा। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को लास्ट तक देखिए, तब आप लोगों को फायदा महसूस होगा। बीच में छोड़ दिया जाए तो आपको फायदा महसूस नहीं होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर। देखिए कह रहा है पहला क्वेश्चन, 3-5-2-0 और 6-4 शीर्षों वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप लोग ऐसा पढ़े होंगे दसवां में, टेंथ में, कि इसका त्रिभुज दे देता है और सबका मान दे देता है, 3-5-2-0 और 6-4 इस तरह से दे देता है और कहता है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप लोग पहले फॉर्मूला से बनाए होंगे, लेकिन एग्जाम में फॉर्मूला लगाने के लिए टाइम नहीं होता है। जितना देर में आप फॉर्मूला लिखिए उतना देर में अगला लड़का आंसर बना के आगे निकल चुका होगा। तो ऐसा चाहे हम नो फॉर्मूला यूज करेंगे, मतलब नहीं फॉर्मूला करेंगे, डायरेक्टली 2 या 3 स्टेप में आंसर इसको निकाल देंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले इसको क्या करते हैं कि कोई तीन को जो निर्देशांक दिया गया था उसमें से ए गो को जीरो कर लेते हैं, क्योंकि ए गो के जीरो। तो मान लेते हैं 3-5 एक -2-0 और 6-4 पहला क्वेश्चन में ना 3-5-2-0 और 6-4 शीर्षों वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो इनमें से कोई का ए गो को क्या कर दीजिए, जीरो कर दीजिए। तो जीरो करने के लिए क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, इसमें से -3 घटाएंगे, इसमें से -3 घटा देंगे और इसमें से -5 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो उसी प्रकार इसको भी -3 घटाइएगा और -5 घटाइएगा, उसी प्रकार इसमें भी -3 और -5 घटाइएगा। तो कितना बच जाएगा, ये -5 हो जाएगा और ये भी -5 हो जाएगा। इसमें से घटाएगा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और इसमें से घटाएगा तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। आई हो जाएगा 0 0, -5 -5 3 -1। तो बस इसको करना कुछ नहीं है, बस 1/2 कर दीजिए और बाहरी वाला से गुणा कर दीजिए, बाहरी बाहरी वाला अंदर अंदर वाला। तब बाहरी बाहरी वाला गुणा कीजिएगा तब -5 × -1 हो जाएगा और फिर माइनस कर दीजिएगा। तो क्या करना, सिर्फ माइनस आई दोनों में गुणा कर दीजिए, तब बनती है 15 माइनस हो जाएगा। बस आपका आंसर आ गया, यहाँ हो जाएगा -−+ और 5 × 5 और माइनस है तो माइनस, यहाँ देखिए -15 है तो माइनस की पार्टी आएगा ब्रैकेट में, क्या हो जाएगा -−+ हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, 15 हो गया। अब देखिए तो क्या होगा, 1/2 और 15 × 5 = 20 हो गया, और 2 से काट दीजिएगा तो कितना हो गया, 10। यानी कि यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यही क्या हो गया आपका, आंसर हो गया। एक मिनट, तो चलिए हम लोग यहाँ तक समझ गए कि कैसे त्रिभुज का अगर देता है निर्देशांक तो उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। नहीं समझे तो फिर से समझा देते हैं। देखिए फिर से जब भी आपको दिया रहा है तीन को त्रिभुज का दिया रहा है 3-5-2-0 और 6-4, तो इसमें से कोई तीनों में से कोई ए गो को जीरो कर दीजिए। क्या कर दीजिए, तीनों में से कोई भी ए गो क्या कर दीजिए, जीरो। देखिए इसमें से हम मान लेते हैं 3 है,
माइनस दो और जीरो है, छ और चार है, तो इसमें से इसको जीरो कर देंगे। तो जीरो करने के लिए क्या करना होगा, इसमें से तीन घटाना होगा, तो इसमें से कितना घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा, तो माइनस पांच घटाएंगे, तो माइनस पांच घटाने पर क्या हो जाएगा, जीरो हो गया। क्या हो गया, जीरो हो गया। तो उसी प्रकार सब में से उतने उतने घटाएंगे, इसमें से माइनस तीन घटाएंगे, इसमें से माइनस पांच घटाएंगे, इसमें से भी माइनस तीन घटाएंगे, इसमें से भी माइनस पांच घटाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस तीन और माइनस दो कितना हो जाएगा, पांच। आई हो जाएगा कितना, जीरो में से माइनस पांच जाएगा तो कुछ हो जाएगा, माइनस पांच हो जाएगा। इसमें से छह से तीन घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा, चार में से माइनस पांच घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वन हो गया। तब हमको ई लेना है ना कि अब ई रह गया, ठीक है। अब हमको जो घटा के आया यही आपका लेना है फॉर्मूला में, नहीं ठीक है। तो देखिए ई तो जीरो हो गया, इसको से कोई लेना देना नहीं है, तो बस ई दोनों से लेना देना है। तो इसको इसको में गुणा कर दीजिए और इसको इसको में, यानी बाहरी वाला को बाहरी से और अंदर वाला के अंदर से गुणा करके घटा दीजिए। तो वन बटा टू और बड़ी कोष्ट पंक्ति आई पांच एकम पांच, पांच में एक से गुणा कीजिएगा तो पांच, और माइनस माइनस का हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए माइनस यहाँ कर दीजिए और फिर ब्रैकेट कर दीजिए, यहाँ देखिए पंक्ति आई पंद्रह माइनस में है, यहाँ प्लस में, तो कुछ हो जाएगा माइनस हो जाएगा, पंक्ति आई कितना हो गया, माइनस पंद्रह हो गया। बस अब यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, यही क्या हो गया आपका, आंसर हो गया। तो अब देखिए पांच और माइनस माइनस प्लस हो गया तो कितना हो गया, पंद्रह। अब वन बटा टू, वन बटा टू अब गुणे पांच, पंद्रह और पांच कितना हो गया, बीस हो गया। यहाँ से यहाँ कट गया कितना गया, दस, यानी कि इसका आंसर कितना हो गया, दस वर्ग इकाई। इसका आंसर कितना हो गया, दस वर्ग इकाई। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बीस सात दस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दस वर्ग इकाई। और ये क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी 11 तारीख 10/2018 शिफ्ट दूसरा में पूछा गया है। आप लोग देख सकते हैं त्रिवेणी से उठा के क्वेश्चन है या नहीं, सारा चीज ऑप्शन के साथ आपको दिए हैं, मतलब कि सारा चीज प्रीवियस ईयर में पूछा गया, हर बार हर शिफ्ट में एक और क्वेश्चन ही आ रहा था। ये चलते हम आप लोगों को बता दिए कैसे बिना फॉर्मूला के बना सकते हैं, फॉर्मूला में आप गड़बड़ा सकते हैं वहाँ, लेकिन ये जो ट्रिक है इससे आप नहीं भुलाइएगा। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर, तो सेकेंड क्वेश्चन भी उसी तरीका से है, सेकेंड क्वेश्चन भी उसी तरीका से है। देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, दो चार माइनस तीन माइनस वन और पांच तीन शीर्षों वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए दो चार है, माइनस तीन माइनस वन है, फिर है पांच और तीन है, तीन गो शीर्ष है त्रिभुज का, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो फिर वही कीजिए, कोई हो क्या कर दीजिएगा, जीरो बना दीजिए। तो इसको जीरो बनाने के लिए क्या होगा, माइनस दो करेंगे तो जीरो हो जाएगा, इसको कितना करेंगे माइनस चार करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो माइनस दो घटाया माइनस चार घटाया, माइनस दो और माइनस चार, तो उसी प्रकार इसमें भी माइनस दो और माइनस चार घटाते जाएंगे। तो माइनस तीन में से माइनस दो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस पांच हो जाएगा। माइनस वन में से माइनस चार घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस पांच हो जाएगा। अब देखिए पांच में से माइनस दो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा। और चार में से तीन में से माइनस चार घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। तब आपका ये हो गया निर्देशांक, और आपका ये हो गया निर्देशांक। अब इसको क्या करना है, बस वन बटा टू कर दीजिए और माइनस पांच और इसको से इसको गुणा कर दीजिए, बाहर वाला से बाहर से गुणा और अंदर वाला से अंदर से गुणा। तो माइनस पांच में माइनस वन से गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, पांच माइनस पांच में से एक से गुणा कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस, और पांच एकदम पांच, तो पांच हो गया। अब चलते हैं अंदर वाला, और अंदर वाला चलते हैं तो माइनस पांच गुणे माइनस पांच गुणे तीन है तो क्या हो जाएगा, पंक्ति एक पंद्रह और माइनस प्लस माइनस, तो माइनस पंद्रह हो गया। अब इसी को हल कर दीजिए, ये भी उतने आ रहा तो नहीं, ये भी नहीं आएगा आ रहा, तो माइनस माइनस का हो गया पंद्रह, माइनस माइनस प्लस आई का हो गया पंद्रह हो गया।
तो क्या हो गया इसको भी 1/2 और 15/5 कितना हो गया 20, यानी कि कितना हो गया 10 वर्ग इकाई, कितना हो गया 10 वर्ग इकाई। तो इसका भी आंसर क्या हो गया 10 वर्ग इकाई, इसका भी आंसर क्या हो गया 10 वर्ग इकाई हो गया। तो बस करना कुछ नहीं है, बस तीन को जो बिंदु रहता है उसमें से कोई एक को क्या कर दीजिए, कोई एक को क्या कर दीजिए जीरो में बदल दीजिए, जीरो में घटा कर क्या कर दीजिए जीरो में बदल दीजिए, और बस 1/2 करके ए माइनस बी कर दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन पर। गोलाकार अंगूठी की आंतरिक और बाहरी परिधि क्रमशः 22 सेंटीमीटर 44 सेंटीमीटर और अंगूठी की है तो कितना कितना है फिर से देखते हैं। गोलाकार अंगूठी की आंतरिक और बाहरी परिधि क्रमशः 22 सेंटीमीटर और 44 सेंटीमीटर है तो अंगूठी की मोटाई ज्ञात कीजिए, अंगूठी की मोटाई ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, इस प्रकार का इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन रहेगा सब बन जाएगा। तो आप एक चीज याद रखिएगा कि जब भी अगर अंगूठी क्या होता है वृत्ताकार होता है, तो वृत्त से रिलेटेड जब भी रहेगा तो ये तीन चीज याद करके रखिएगा कि जब त्रिज्या 7 रहे, जब त्रिज्या 7 रहे तो परिधि जो होता है, तो परिधि जो होता है 44 हो जाता है, कितना होता है 44, और क्षेत्रफल जो हो जाता है वो हो जाता है 154, कितना होता है 154। बस यही चीज याद रखिएगा, इससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए अब चलते हैं कि गोलाकार अंगूठी की आंतरिक और बाहरी त्रिज्या, गोलाकार अंगूठी कहाँ होता, कैसे होता है, मान लीजिए यह अंगूठी है, यह अंगूठी है, इसका आंतरिक त्रिज्या जो है कितना है 22 सेंटीमीटर है, और बाहरी परिधि है जी परिधि है, इसका बाहरी परिधि जो है कितना है, बाहरी परिधि आंतरिक परिधि 22 सेंटीमीटर और बाहरी परिधि कितना है 44 सेंटीमीटर। तो देखिए अब यहां से देखिए कि जो परिधि 44 रहता है तब कितना होता है त्रिज्या, तब त्रिज्या कितना होता है 7 होता है, सही देखिए बाहरी के आंतरिक जो परिधि कितना है 22 है, इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 7.2 हो जाएगा, और जब इसका बाहरी परिधि 44 है तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 12 वाला को, तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो क्या कर दीजिए मोटाई पूछ रहा है रिंग के, तो ये दोनों को त्रिज्या क्या कर दीजिए घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा 7 में से -7/2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7/2 यानी कि 3.5 सेंटीमीटर, यही काम हो गया आपका आंसर हो जाएगा।